पिछले 24 घंटे में कोविड-19 पॉजिटिव के 181 मामले सामने आए हैं और विगत 24 घंटे में कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की संख्या 209 है। इस प्रकार अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या है 3692 और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 1520। दो व्यक्ति के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई है, उसमें एक बेगूसराय का मामला है और एक भागलपुर का। बेगूसराय का जो मामला है वो कोमॉर्बिडिटी का मामला है, उन्हें अन्य बीमारियां भी थी और कोविड टेस्ट के क्रम में पॉजिटिव पाए गए थे। भागलपुर का जो मामला है वो बाहर से आए थे, मुंबई से उनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी और उनमें भी सिम्टम्स थे और मृत्यु के दौरान सैंपल लेने पर बाद में रिजल्ट पॉजिटिव आया। अब इसमें दो बिंदुओं पे ध्यान रखना है। जब हम लोग कहते हैं कि मृत व्यक्ति हुए हैं तो इसमें हम लोग के कहने का आशय होता है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है जो टेस्ट में जिनका कोविड पॉजिटिव ही आया था। हम कदापि यह नहीं कह रहे हैं कि कोविड-19 के चलते उनकी मृत्यु हो गई। कई बार इस तरह से भी हमारी बातों को समझा जाता है, जो मेरी समझ से हम लोग के कहने का अभिप्राय यह नहीं होता है। हमारा सिर्फ स्टेटमेंट इतना है कि दो व्यक्तियों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है जो कोविड-19 के जांच में पॉजिटिव भी पाए गए थे। जहां तक जांच का प्रश्न है, हम लोग 75,737 टेस्ट अभी तक किए हैं और 3692 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस प्रकार से सैंपल जितनी की जांच की गई है उसमें लगभग 4.8% व्यक्ति पॉजिटिव मिले हैं। अब अगर हम देखें तो ये 3692 व्यक्ति में आपके 2,569 व्यक्ति 3 मई के बाद आने वाले प्रवासी व्यक्ति हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास आज के डेट में जितने भी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनका 70% वे लोग हैं जो 3 मई के बाद बाहर से बिहार राज्य में आए हैं और इनमें सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र का 648, दिल्ली से आने वाले 559, गुजरात से 377, हरियाणा से 220 और उत्तर प्रदेश से 134। ये है, और अन्य राज्य भी हैं लेकिन प्रथम पांच आपकी सूचना के लिए मैं बता रहा हूँ। एक्टिव केसेस ठीक होने के बाद आज के डेट में 38 जिलों में हैं, वो हैं 2,149। जहां तक जांच का प्रश्न है, आप अवगत हैं कि जांच की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और 1 से 2 दिनों में ही आपको इसके संदर्भ में बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से प्रतिदिन सभी विषयों की समीक्षा होती है। इससे संबंधित अब जो भी आवश्यक निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। आप अवगत हैं कि जो ये लॉकडाउन है इसका पीरियड आज ख़त्म हो रहा है और नई गाइडलाइंस भारत सरकार से आ गई हैं और बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा इशूड गाइडलाइंस हैं वो एज इट इज़ बिहार में लागू रहेंगी। उसमें हम लोग किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पिछले कुछ समय से हम लोग कुछ एडिशनल भी मेजर्स लेते थे तो इस बार यही निर्णय लिया गया है कि अब जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनको एज इट इज़ लागू किया जाएगा। जो हम लोग के ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको हम लोग 15 तारीख तक 15 जून तक फंक्शनल रखेंगे और उसका कारण ये है कि लगभग अब जितने लोग आने थे लगभग आ चुके हैं, बहुत कम लोग बचे हुए हैं और वो भी 1 या 2 दिन में आ जाएंगे सभी लोग। और वो 2 वीक्स के जो हम लोगों ने एक कैटेगरी के जो शहर डिफाइन किए हैं उनमें से तो वो लोग ब्लैक क्वारंटाइन में जाते हैं तो वो 2 वीक 15 तक होगा।
इसलिए 15 तारीख के बाद अब ब्लॉक क्वारंटाइन नहीं रहेगा और सभी लोग चूँकि अभी आ जा रहे हैं और जो एक ग्रुप में जो सिटीज़ हैं उनके अलावा जो लोग हैं वो आप अवगत हैं कि वो लोग होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं। इसलिए दो मुख्य निर्णय ये हुए हैं कि एक तो लॉकडाउन को जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार से प्राप्त हुए हैं गृह मंत्रालय से वो एज इट इज़ लागू किए जाएंगे और दूसरा ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हम लोग ये 15 जून तक चलाएंगे और उसके बाद इन्हें समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा एक और निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है कि जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो डोर टू डोर स्क्रीनिंग में विशेष रूप से अब ध्यान रखा जाएगा जो लोगों को कोई सीरियस इलनेस है, जिनको कोई अन्य गंभीर बीमारी है, क्योंकि ऐसा पाया जा रहा है कि जिन लोगों को कोई दूसरी गंभीर बीमारी है उनमें खतरा ज़्यादा है और इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि उनको विशेष रूप से चिन्हित कर ऐसे लोगों को उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा चूँकि अब लॉकडाउन में काफ़ी हद तक ढील दी जा चुकी है और अब काफ़ी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, तो इसलिए ये भी निर्णय लिया गया है कि अब एक बड़े स्केल पे मास स्केल पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए और सभी पंचायतों में माइकिंग के माध्यम से और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो होर्डिंग्स हैं उनके जरिए रेडियो और टेलीविज़न के जरिए काफ़ी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी के साथ अब ये अवेयरनेस ड्राइव चलाया जाएगा ताकि लोग अवेयर रहें, जो भी इस बीमारी से बचने के उपाय हैं उनका अनुपालन करें। तो इस सब के लिए अगले 102 दिन में हम लोग काफ़ी बड़े स्केल पर एक अवेयरनेस ड्राइव करने जा रहे हैं। ये 3-4 मुख्य जो निर्णय थे आज की समीक्षा बैठक के वो मैंने आपको बताया। जो आपदा राहत केंद्र हैं अब उनकी भी संख्या लगातार कम हो रही है, आज की तिथि में अभी 64 आपदा राहत केंद्र कार्यरत हैं। आप अवगत हैं कि ये केंद्र विभिन्न शहरों में प्रारंभ किए गए थे इस उद्देश्य से कि जो भी वहाँ पर ठेला वेंडर या दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक या अन्य ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनको भोजन वगैरह की समस्या नहीं हो, वो उनकी वहाँ चिकित्सकीय जाँच भी होती थी और वहाँ उनको भोजन और शेल्टर भी मिलता था। अभी की तिथि में 64 हैं जिनमें लगभग 11,500 लोग उनमें लाभ उठा रहे हैं उसका। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हैं उनकी संख्या अभी 12,291 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर अभी फंक्शनल हैं। इनमें जो टोटल लोग आवासित हो चुके हैं उनकी संख्या 13,71,266 है, परंतु इसमें से 7,94,474 लोग क्वारंटाइन की अवधि पूरा करके घर जा चुके हैं और अभी जितने लोग आवासित हैं उनकी संख्या 5,76,792 है। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता हम लोग दे रहे थे जो बिहार के बाहर फंसे हुए लोग थे, तो उनमें अभी भी कुछ लोगों का जिनका बहुत माइनर मिस्टेक था ठीक करके जो आ रहा है, जिन्होंने पहले आवेदन 30 तारीख से पहले कर दिया था, तो उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ी है। अभी कुल मिलाकर 20,44,531 लोगों को मुख्यमंत्री विशेष सहायता उनके खाते में 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की गई है। जो राशन कार्डधारियों को 1,000 रुपये देने थे तो 1,41,00,000 लोगों को दिए जा चुके हैं और जो नॉन राशन कार्डधारी थे जिनका सर्वे जीविका के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तथा NULM नेशनल अर्बन लेवलीहुड मिशन के द्वारा शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा था उसके अंतर्गत भी अभी 21,00,000 परिवारों को 1,000 रुपये की सहायता दे दी गई है। रोजगार सृजन पे लगातार सरकार का ध्यान है, सभी विभाग इसका लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें अब तक 4,36,000 योजना कुछ से कुछ थोड़ी ज़्यादा योजनाओं में लॉकडाउन की अवधि में 4,17,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। ट्रेन्स के बारे में मैं बता दूं कि जो अधिकांश ट्रेन्स जो भी प्लान की गई थी वो आ चुकी हैं अभी तक, आज की तिथि तक यानी कुछ ट्रेन्स अभी भी आ रही हैं, अगर उनको भी हम लोग जोड़ लें
तो अभी तक 1433 टोटल ट्रेन्स, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स और जो फिर हमारे बॉर्डर से ट्रेन्स चल रही थी या नॉर्मल ट्रेन जो चल रही थी कुछ, तो 1433 ट्रेन्स कुल आज को मिलाकर आ रही हैं और इनमें 1,947,127 इतने लोगों ने इसके माध्यम से ट्रेवल किया है जो लोग आए हैं हमारे यहाँ। अब बहुत कम ट्रेन बची हैं, एक कुछ ट्रेन इक्का दुक्का एक दो जगह से हो सकता है आज चल रही हो, तो वो डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। है MCN चैनल जो आपके लिए लाया है हाई स्पीड इंटरनेट और CCTV सर्विस, तो आज ही MCN चैनल में आइए जैन धर्मशाला के निकट आजाद चौक मुंगेर और इस सुविधा का लाभ उठाइए।